रेडमी नोट 4 के लिए आकिब की तरफ से चाइना बीटा का अपडेट आया हुआ जो कि एंड्रॉयड 11 वोट रोम है और बिल्ड नंबर है 21.6.9। तो इसमें हम देखते हैं हमें क्या कुछ जो है देखने को मिल जाता है, परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी बैकअप कैसी मिल जाती है, एंड्रॉयड स्कोर कैसा है, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। चलिए वीडियो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं माय डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पे हमारा बिल्ड नंबर MIUI 12.5 21.6.9 बिल्ड नंबर मिल जाता है। ऑल स्पेक्स के अंदर एंड्रॉइड वर्जन 11 है और सिक्योरिटी पैच 5 अप्रैल 2021 का है। और यहाँ पे कर्नल जैसे कि आपका यहाँ पे ZLOS 4.9 बेस्ड कर्नल है, हालांकि ये जो है आपका ओवरक्लॉक नहीं है, नॉन OC है, बिल्कुल स्टॉक जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वहीं अगर हम चलते हैं इसके कंट्रोल सेंटर की तरफ, तो कंट्रोल सेंटर में आपको ज़रूर यहाँ पे लैग फील होने वाला है, लैग जो है मिल जाता है, यहाँ पे पूरी तरीके से स्मूथ आपको नहीं मिलता। और रेडिट पे जैसे कि वायरेड मीडो पार्ट्स ये सारी चीज़ें आपको मिल जाता है, सोमी पार्ट्स, तो अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो बाकी सिमिलर बाकी सोमी पार्ट्स की तरह ही देखने को मिल जाता है। स्पेक्ट्रम प्रोफाइल दिया गया है यहाँ पे, टच बूस्ट भी है और साथ साथ थर्मल का भी ऑप्शन है, डायरेक्ट साउंड एनहांसर ये बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐप बोल्ट अगर आप देखोगे तो ये चाइनीज़ में ही देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जैसे कि चाइना बीटा बिल्ड ही है। और वॉल्यूम पैनल बिल्कुल लेटेस्ट आपको देखने को मिलेगा जैसे कि ऐड किया गया, और पावर मेन्यू भी आपको जो है लेटेस्ट ही देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसके ऐप ओपनिंग की तरफ, तो ऐप ओपनिंग अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डिले आपको ज़रूर मिल जाता है, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ कुछ पे आपको जो है काफ़ी फास्ट भी ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से आपका, जैसे कि प्ले स्टोर देख सकते हो, ज़्यादा टाइम यहाँ पे हमें नहीं मिल लगा है, तो इस तरीके से जो है ऐप ओपनिंग मिल जाता है। रिसेंट में आपको ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन होने पे लैग हल्का फील होगा, और जैसे कि रिसेंट आपका यहाँ पे मिल जाता है वही 1.6 या फिर 1.8 GB तक फ्री मिल जाता है। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन काफ़ी सारे आपको मिसिंग मिलेंगे, तो आप मैनुअली चाहो तो गेट ऐप से कर सकते हो, या फिर बाहर से भी आप कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर पर भी सोमी के एप्लीकेशन कुछ मिल जाते हैं, मैनुअली आप कर सकते हो। और यहाँ पे जो गूगल फाइल जो दिया गया, इसको अगर आप यूज़ करते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, जो है क्रैश कर जा रहा था मेरे में फिलहाल, तो इसलिए यहाँ पे MI का फाइल मैनेजर मैं डाउनलोड कर लिया हूँ प्ले स्टोर से, तो आप भी जो है यूज़ कर लेना इसी को ही डाउनलोड करके। और यहाँ पे फिलहाल आपका जो है ये सारी चीज़ें जो है मैन्युअली आपको कुछ एप्लीकेशन करने पड़ेंगे। कैमरा आपका यहाँ पे MIUI का मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड आपका यहाँ पे काम नहीं करता है, और यहाँ पे जो वीडियो क्वालिटी हमें मिलती है 4K 30 FPS तक की मिल जाती है जैसे कि आप देख सकते हो, और साथ साथ यहाँ पे हमें स्लो मोशन का भी ऑप्शन दिया गया है। और GCam आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, लेकिन वही है स्लो मोशन आप यूज़ नहीं कर सकते, बाकी आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर पोर्ट्रेट मोड पिक्चर आराम से क्लिक कर पाओगे। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं फिलहाल इसकी गैलरी की तरफ, तो गैलरी आपको यहाँ पे मिल जाती है लेटेस्ट, लेकिन यहाँ पे कुछ मिसिंग भी है, जैसे कि सेटिंग्स आप देखोगे तो ये आपको लेटेस्ट मिल जाएगा, लेकिन एडिट में चलते हैं तो यहाँ पे आपका फ़िल्टर तो लेटेस्ट मिल जाता है, लेकिन स्काई आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो ये जो है थोड़ा सा आपको मिसिंग मिलेगा यहाँ पे। और जैसे कि हमारा प्ले स्टोर है, तो प्ले स्टोर पर अगर हम चलते हैं तो प्ले स्टोर के अंदर आपको जो है ये सर्टिफाइड नहीं है, तो इसके लिए वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा मैजिक ऑल प्रॉब्लम वाली, तो आप वीडियो एक बार देख लेना लेटेस्ट मैजिक प्लस करके कैसे हाइड करते हैं, कैसे जो है वहाँ पे आपका सर्टिफाइड करना है, सेफ्टी नेट पास करना, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और टूल्स के अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलता, और यहाँ पे बैकग्राउंड आप देख सकते हो ऑटोमेटिक जो है ब्लैक हो गया, तो ऑटोमेटिक जो है आता है तो डिफ़ॉल्ट पिक्चर सेट हो जाता है अपने आप ही, तो एक प्रॉब्लम मिली है। बाकी हार्डवेयर बटन लाइट का प्रॉब्लम आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपका जो कॉलिंग है, कॉलिंग के अंदर आप वॉल्टी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल काम कर रहा है, वीडियो कॉल भी वर्किंग है, ब्लूटूथ ऑडियो जो है मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पर ही काम कर रहा है, और प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसका जो है बिल्कुल फिक्स है, तो यहाँ पर फिलहाल आपको इसके रिलेटेड दिक्कत नहीं होने वाली है। और कास्ट जो है यहाँ पे मैं फिलहाल ट्राई किया, लेकिन मेरे कनेक्ट नहीं हुआ, तो मे भी ये जो काम कर रहा होगा क्योंकि एरर कोई नहीं आया था। और यहाँ पे जो है हमारा पर्सनलाइजेशन के अंदर अगर हम चलते हैं वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में, तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाता है ये कुछ वॉलपेपर्स हैं MIUI 12 के जैसे कि आप देख सकते हो, और साथ साथ यहाँ पे थीम स्टोर मिल जाता है जिसमें आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, हालांकि यहाँ पे जो थीम स्टोर है वो आपको चाइनीज़ में ही देखने को मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसके लॉक स्क्रीन के अंदर, तो यहाँ पे आपको AOD फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा, और डबल टैप टू बैक है, और यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन डिफ़ॉल्ट एक आपको मिल जाता है। और डिस्प्ले के अंदर आपका यहाँ पे जैसे कि हम चलते हैं तो यहाँ पे डार्क मोड जो कि बिल्कुल लेटेस्ट आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे, सनसेट टू सनराइज, और यहाँ पे जैसे कि आपका रीडिंग मोड हो गया, कलर स्कीम हो गया, दोनों ही बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर चलते हैं, तो नॉर्मली जो एंड्रॉइड 11 में फीचर मिलते हैं वो सभी मिल जाते हैं, मल्टीपल ऑडियो सोर्सेज जो कि मिल जाता है साउंड असिस्टेंट के अंदर। बाकी यहाँ पे साउंड इफेक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, बाकी डायरेक्ट साउंड एनहांसर के अंदर से आप यूज़ करना वो जो है काम करता है डायरेक्ट साउंड एनहांसर आपका। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर भी आपका नॉर्मली रहने वाला, हालांकि यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है अभी फिलहाल।
और स्टेटस बार भी देखो तो बिल्कुल नॉर्मल ही देखने को मिल जाता था। यहाँ पे चेंजेस हमें नहीं मिलते हैं। और होम स्क्रीन के अंदर आपका यहाँ पे जो है मिल जाता है सिस्टम नेविगेशन। तो यहाँ पे हालांकि सिस्टम नेविगेशन जो है अच्छे से काम कर रहा है, कभी कभार हल्का फुल्का लैग मिलता है, बाकी ऐसा जो है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे नेविगेशन बटन भी आप देखोगे तो ये जो है काम कर रहा है यहाँ पे। और हालांकि अगर आप चलते हो जेस्चर के नीचे सेटिंग्स में तो यहाँ पे स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट नहीं मिलता। और वैसे भी आप गूगल से, मैं टेस्ट किया, ओके गूगल काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे डबल टैप टू लॉक स्क्रीन ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। अरेंज आइटम इन रिसेंट मिल जाता है। और सिक्योरिटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों ही अच्छे से काम कर रहे हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी आपका बिल्कुल लेटेस्ट ही मिलता है, तो यहाँ पे भी दिक्कत हमें नहीं मिलती है। और बैटरी के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे बैटरी बैकअप भी फिलहाल ठीक ठाक मिली है, ज़्यादा बेटर नहीं है लेकिन ठीक ठाक आपको मिल जाएगी यहाँ पे बैटरी बैकअप भी। तो ऐसी कोई दिक्कत हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। और ऐप्स के अंदर जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है डुअल ऐप देखने को नहीं मिलता इस बिल्ड के अंदर। यहाँ पे चाइनीज़ बीटा में नहीं देखने को मिलता, तो यहाँ पे भी नहीं है। और यहाँ पे आपका जो है लैंग्वेज के अंदर आप देखोगे तो लैंग्वेज के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी लैंग्वेज। और यहाँ पे आपका जो रीजन का ऑप्शन वो नहीं मिलता इसके अंदर, बाकी सारे ऑप्शन आपके काम कर रहे हैं यहाँ पे। और स्क्रीन टाइम एंड फोकस मोड हमें मिल जाता है यहाँ पे, जो कि नॉर्मली सभी MIUI 12 के रोम में आप अगर देखो तो मिलेगा। और यहाँ पे आपका जो है स्पेशल फीचर्स मिलता है, जिसके अंदर सभी तो देखने को मिल जाएगा लेकिन सेकंड स्पेस आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलता, जो कि MIUI चाइना पे जैसे कि बताया नहीं मिलता ये सारी चीज़ें, तो आपको नहीं देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपका जो इंटूटो स्कोर है 98480 का स्कोर देखने को मिल जाता है, जो कि फिलहाल ठीक ठाक अच्छा स्कोर मिल जाता है यहाँ पे। और बूट एनिमेशन आपका MIUI 12.5 वाला ही देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस तरीके से बूट एनिमेशन, हालांकि बूट एनिमेशन में आपको टाइम ज़रूर लगता है बूट लोगो पे आपके तो लगेगा। और गेम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वॉइस चेंजर ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती है यहाँ पे। तो यह है पूरी की पूरी आपका जो गेम टर्बो है, जिसमें टाइमर भी आपको मिलता है, तो ये जो है पूरा सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो ग्राफिक है थोड़ा सा लो क्वालिटी वाला मिलता है, जैसे कि नोट 4 के कुछ रोम्स में इस तरीके से देखने को मिलता है, तो यहाँ पे वे चीज़ हमें मिल रहा है। और ग्राफिक तो फिलहाल आपको सेम ही मिलेगी बाकी रोम की तरह, स्मूथ पे आपका हाई है, बैलेंस पे मीडियम तक देखने को मिल जाता है। तो हम जो है यहाँ पे स्मूथ एंड हाई पे खेलेंगे और देखते हैं परफॉर्मेंस हमें कैसी मिलती थी यहाँ पे। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस जो है आपको यहाँ पे मेन वही प्रीजिंग इशू लैग जो है देखने को ज़रूर मिलता है यहाँ पे। तो गेमिंग के मामले में आपको उतनी ज़्यादा बेटर नहीं मिलता है, ठीक ठाक जो है हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक जो है ज़्यादा बेटर उम्मीद आप मत लगाना, उतना ज़्यादा बेटर आपको फिलहाल नहीं मिलता इसके अंदर। ठीक ठाक ही जो है गेमिंग भी मिल जाती है यहाँ पे, हालांकि हैवी लैग आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ ठीक ठाक जो है वो परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, ज़्यादा बेटर नहीं है यहाँ पे। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें यहाँ पे मिलती है। और रोम फ्लशिंग बिल्कुल सेम रहेगा, सिंपली आपको रोम डाउनलोड करना है, रिकवरी पे जाना है, वाइप पे जाना है, डॉल्विक सिस्टम डेटा वेंडर कैच पाँचों को आपको वाइप कर देना है, रोम फ्लश करना है एंड वाइप कैच करके सिंपली रिबूट कर देना है। जैसे कि चाइना बीटा है तो यहाँ पे आपका जो है अलग से जेब फ्लश करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि बाकी में फ्लश करनी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर रोम के अंदर ही इंक्लूडेड है। तो बस आपको रोम फ्लश करना है एंड रिबूट कर देना है, अलग से आपको कोई चीज़ फ्लश करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से जेब फ्लश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।